मानसून सत्र के खत्म होने के बाद एक विशेष सत्र को बुलाया गया है जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सत्र को लेकर कई तरीके की कंट्रोवर्शियल बातें आप लोगों ने सुनी होगी कि क्या इस सत्र को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान में कानून में अमेंडमेंट करने को लेकर बुलाया गया है, क्या हमारे देश का नाम इंडिया से भारत चेंज कर दिया जाएगा इसलिए बुलाया गया है, ऐसी तमाम तरीके की बातें हैं, कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो चार ऐसे बिल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिहाज से भी और इस सत्र में उनके पास होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा तेज भी है। कौन कौन से हैं वो चार बिल इस वीडियो में हमारे साथ देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल, इस बिल में क्या होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति एक पैनल करेगा। उस पैनल में तीन लोग होंगे, जिस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, उस पैनल में लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और इसके साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री की भी उस पैनल में मौजूदगी होगी। फिलहाल बिल की स्थिति ये है कि मानसून सत्र में 10 अगस्त को ये बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है। इस पर विपक्ष ने राज्यसभा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों का कहना है सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। दरअसल इस बिल के जरिए सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त के पद पर उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक सर्च कमेटी होगी। कमेटी में कैबिनेट सचिव और दो सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। ये पांच लोगों के नाम सुझाएंगे, ये नाम आगे सिलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे। दूसरा है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट। इस बिल में 64 साल पुराने अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट होगी। फिलहाल बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है, 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस पर विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई विरोध नहीं किया गया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो दलाल के रूप में काम करता है उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे 3 महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, ये बिल किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगजीन या फिर किताब के रजिस्ट्रेशन या पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब नया बिल लाया जाएगा तो पुराना प्रेस एवं पब्लिकेशन रजिस्ट्रेशन वाला बिल है निरस्त हो जाएगा। ये बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है, 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई विरोध नहीं किया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगी, साथ ही न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो किसी आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो उसे मैगजीन छापने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अंत में बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में। 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम की इस नए बिल के आने के बाद समाप्ति हो जाएगी। जब नया बिल आएगा तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस के काम करने में और आसानी होगी। जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनको और ज़्यादा पावर्स मिलेंगी। मानसून सत्र में 10 अगस्त को राज्यसभा में ये बिल पेश हो चुका है। इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक विरोध नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के भारतीय डाकघर अधिनियम में प्रस्तावित सुधार से कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक पार्सल खोलने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अधिकारियों को टैक्स चोरी के संदेह होने पर संबंधित अधिकारियों को भेजने की भी शक्ति मिलेगी।